और इसमें जो करेक्ट आंसर्स हैं तो यहाँ मैंने टिक कर दिए हैं पूरे पेपर पर। हो सकता है एक दो तो आंसर आगे पीछे रह जाए, बाकी जो ऑफिशियली आंसर की आएगी अभी थोड़े से दिन में, 2 4 दिन में कमीशन की तरफ से आ जाएगी, तो उसको और हम करेक्टली मैच कर लेंगे। तो पहला जो सवाल है आपका, तो ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन से कौन सी कमेटी नहीं जुड़ी हुई है, तो आपकी सोली सोरा जी है, बाकी तीनों जुड़ी हुई हैं। और आसान सवाल था, ज्यादातर लोगों ने ठीक किया होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा फंडामेंटल राइट है जो केवल सिटीजन्स को मिलता है, तो इसका आपका आर्टिकल 29 है। ये सवाल भी आसान है, तो ये भी ज्यादातर लोगों ने ठीक किया होगा इसको भी। पब्लिक अकाउंट कमेटी वाला क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट, और ये भी आसान सवाल है, तो इसको भी सभी ने ठीक किया होगा। तो इसका ये जो आंसर है वो सी है, यानी कि एक और दो ठीक है। ठीक है, तो जो इसका तीसरा ऑप्शन था वो गलत था। एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगा होगा सवाल का, काफी लेंथी सवाल था, तो आधे लोगों ने ठीक किया होगा, आधों ने गलत किया होगा, क्योंकि जब लेंथी क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूजन में आज आ जाते हैं। अगला सवाल था आपका, ये पंचायती राज कमेटीज के ऊपर, तो इसका एलएन सिंघवी कमेटी है, बी ऑप्शन है, ज्यादातर लोगों ने ठीक किया होगा। और सिक्स क्वेश्चन है, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर था, तो ये भी आसान है, तो मोस्टली सही हुआ होगा सभी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा स्पीकर के ऊपर, ये भी सबने ठीक किया होगा, और तो इसका बी जवाब है। और इसके बाद जो क्वेश्चन था आपका कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कब सबसे कम परफ्यूम बनाने में इसका यूज होता है, तो इसका बी जवाब है आपका, ठीक है, परफ्यूम में, तो इसका बी जवाब है। और आधे आधे कह सकते हो कि हाफ लोगों ने, यानी कि आधों ने ठीक किया होगा, आधों ने गलत किया होगा। और गोल्ड क्लीनिंग ऑर्नामेंट्स, तो इसमें वैसे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, नाइट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल होता है, तो इसका ए जवाब है। और कुछ ने ठीक किया होगा, कुछ ने गलत किया होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर है, ये सबका ठीक हुआ होगा, क्योंकि तो सबको पता होता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बनाने में यूज होता है इसका, तो इसका बी जवाब है। तो बहुत दिनों से न्यूज़ में है, 4 5 साल से न्यूज़ में है, यूपीएससी भी पूछ चुका है 2 बार इस सवाल को, तो ठीक किया होगा सब में, करंट में रहता है। और ये आपके WTO के डायरेक्टर जनरल हैं, सबका ठीक हुआ होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज में था, और ये भी सबने ठीक किया होगा, इसका डी जवाब है। और नॉर्थ ईस्ट की लेक पूछी है, नॉर्थ की आपकी, नॉर्थ ईस्ट की फ्रेश वाटर लेक, तो ये मणिपुर की है आपकी, लोकटक लेक, तो ठीक किया होगा सबने ये भी। और इसके अलावा नासा का रोवर, तो ये प्रिजर्वेंस फरवरी में बहुत ज्यादा चर्चा में था, सभी मैगजीन्स में था इसके बारे में, तो ये जवाब है इसका। महात्मा गांधी वाला भी सबने ठीक ही किया होगा, ना मुश्किल कोई सवाल नहीं है। मैं इसका कट ऑफ भी आपको बता दूंगा कि कहाँ पर कट ऑफ जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा बस मैं एक बार सारे रीड कर देता हूँ, पेपर आपके पास ही है, ठीक है, तो ये भी कुछ मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। अगर मैडम भीताजी कामा के बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते हो, और आपको एक भी ऑप्शन आपका इमेज कर गया होगा सभी, तो फिर आपसे जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने झंडा नहीं छोड़ा था, सबको ये बात पता है। ये सवाल ऐसा था कि अगर मैडम कामा की कहानी आपने सुनी होगी तो आपने सही कर दिया होगा, आसान सवाल कह सकते हो आप इसे। कई बार कई ऑप्शन वाले सवाल ऐसे थे जिसमें अगर एक मेज कर रहा हो तो ठीक तो मान गया जाए। काकोरी केस सबको पता है, किस किस को फांसी हुई थी, तो ये भी ऑलमोस्ट सभी ने ठीक किया होगा। और दादोबा पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज, ये भी ऑलमोस्ट सभी ने ठीक किया होगा ऐसे भी। कादम्बरी हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है, बाणभट्ट ने, तो ये भी ऑलमोस्ट सभी का ठीक हुआ होगा। और ये भी आसान सवाल है आपका, टेंपल आर्किटेक्चर 3 तरीके का होता है, नागर, बेसर, द्रविड़, बिल्कुल कॉमन सा सवाल है, हल्का सा सवाल है, जैसे कोई कल्चर के ऊपर सवाल रखने की कोशिश की गई है, और ऊपर से बिल्कुल आसान सा बनाकर कि क्या आसान सवाल बनाकर रखा जाए कल्चर पर, और वो रख दिया गया आपकी मदद के लिए। चलिए अगला सवाल है आपका, और हरमटन, ठीक है, आपने सुना ही होगा, हवा का नाम है, ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है। रोरिंग 40s, ये सब जो है, डोलड्रम, वेस्टर्न लाइट, सभी को पता होता है, इसका सी जवाब है, सभी ऑलमोस्ट सही हो गया होगा आपका।
तो हमेशा जो पेपर आता है आपका एचपीएससी का, वो मैंने पहले भी अपनी कई सारी वीडियोस में कहा है कि एचपीएससी आपसे क्वेश्चंस को करवाना चाहता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप सिली मिस्टेक करते हो, भूल जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपसे सवाल गलत होते हैं, नहीं तो सवाल आपके दायरे में होते हैं, ठीक है? यूपीएससी जैसे सवाल नहीं होते कि टॉपिक का ही पता नहीं चलता, गूगल भी थक जाता है ढूंढते उन्हें, ठीक है? लेकिन एससीएस में थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से पेपर बनता है, तो पिछले साल भी ऐसा था, इस बार भी पेपर जो है बहुत पॉजिटिव माइंड सेट से बनाया गया है। बस ये है, कोई सभी को पता है ये कुछ आपके माउंटेन हिल का नाम दे रखा है, उनकी रेंज दे रखी है, सामने मीच करना है, सभी को आता है, सब को पता होता है, ध्रुव गढ़, दोदा बेटा, माउंट आबू, ठीक है, कहाँ पर है आपके सागर माथा। चलिए अगला देखते हैं, ये श्रीहरिकोटा, सभी को पता है कि पुलिस तट पर होती है, और विष्णु नारायण भारत खंडे, ये सवाल कम से कम 10 बार 15 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? बहुत बार आया है ये आपका सवाल, इसका भी जवाब है। और आरसीईपी, ये आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में करंट अफेयर्स में बनी हुई है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लगाओगे, अगर हम जो नेचर देखें कंट्रीज की तो कॉमन सेंस से भी हो सकता है नोट पूछा गया है, नहीं तो आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, करंट अफेयर्स में था। और इसके बाद ये आपका सी जवाब है इसका, और ये इसमें क्या था, करेक्टली मैच कराना था, कौन कौन से करेक्टली मैच, ठीक है? तो लेकिन इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, हो सकता है कि एचपीएससी इस सवाल को डिलीट करे या सबको मार्क्स दे दे, क्योंकि आप देख रहे हो 4 पाई और 4 पाई मिल रहे हैं, तो अब इसका ए ठीक होगा या सी ठीक होगा, ठीक है? ये थोड़ा सा देखने वाली बात हो जाएगी, तो दो ऑप्शन एक जैसे दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके अलावा जो है आपका कि एंशियंट में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको तीनों नाम भी लिखे हुए मिलेंगे। उसके अलावा ये बालू वाला सवाल हमने वीडियो में डाल रखा था, ठीक है, बलराम के बारे में, वल्लभगढ़ रियासत के ऊपर था आपका एक, ठीक है? तो इस पर हमने और भी इंफॉर्मेशन डाली थी, एक बार मोहम्मद शाह इसका जवाब है। ये सब क्वेश्चन आपने जरूर पढ़े हैं, और आप ये नहीं कह सकते कि आपकी तैयारी में नहीं आए थे, ये सी शाह कमेटी को कौन नहीं जानता है, इसका बी ऑप्शन है। और जब हरियाणा बना था तो ये कमेटी बनी थी, ठीक है? और टिप्पेरा जो है गोलीकांड हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, जो आपका रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसमें, तो इसका जवाब आपका सी है। और गजनवी ने जब हमला किया तो हरियाणा पर किनका राज था, हरियाणा जी के पास मिडिल स्ट्रेटेजी का सवाल है। और नामदेव के ऊपर है, नामदेव का नाम जैसे ही आता है तो हमारे ध्यान में मराठी संतों की बात आ जाती है, तो अगर थोड़ा सा जो है सोचा जाए तो ये गुजरात वाला तो वैसे ही हमें एलिमिनेट करने की वो होती है, तो इसका सी जवाब है। अगला सवाल पूछा गया है, कुछ साइट्स दे रखी हैं आर्कियोलॉजिकल, तो आपको पता है भीमबेटका का मध्य प्रदेश में, बुरजोम कश्मीर में, तो इन्हें नॉर्थ से साउथ में लगाने के लिए कहा गया है, तो बेसिक सा सवाल है, और जिन्हें पता है, जिन्होंने पढ़ रखा है, सबने ठीक किया होगा इस सवाल को। अगला सवाल और भी आसान था, कि जो बोली लगाई जाती है, ठेका सिस्टम बोलते हैं इसे, ठीक है, हाईएस्ट रेवेन्यू, तो इजारा बोलते हैं सारा सिस्टम, ठीक है? नहीं, और ये सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में भी था, इजारा सिस्टम। चलिए, और ये और भी सवाल था, आसान था, मनसबदारी सिस्टम का, तो जात और सवार सबको पता होता है, मतलब सवाल रखने की कोशिश की है मनसबदारी सिस्टम पर, और जो सबसे आसान सवाल बन सकता था वो रखा गया है, जिससे कि आप इसको कर लो, पढ़ना पाए। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो आपका परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर था, तो इसका जो जवाब है आपका ये, क्योंकि तो परमानेंट सेटलमेंट जो है ना कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका जवाब आपका ए है। अगला है पीटरा डिवेरा, जो आपने देखा होगा ताजमहल वगैरह सफेद संगमरमर पर जो आयतें लिखी होती हैं अरेबिक में, या नक्काशी की होती है फूल पत्तियों की, वो होता है। और इसके अलावा एक केसेस हैं, ठीक है, तो ये केस है आपके मिनर्वा केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, इनके ईयर पूछे गए हैं, ठीक है? और ज्यादा डिटेल नहीं पूछी गई, हमने भी ईयर याद करने के लिए कहा था अपने स्टूडेंट से, ईयर याद करना बस, तो उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया गया है। और ये आपका फाइनेंस बिल पर सवाल पूछ रखा है, इसका जवाब आपका ए। फाइनेंस बिल के हालांकि दो टाइप होते हैं, लेकिन जब एचपीएससी यूपीएससी पूछता है तो अलग तरीके से पूछता है। और एक सवाल यह आपका है कि सॉवरनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की जो बात है, ठीक है? तो इस बार मैंने सबसे कहा था कि
अपने स्टूडेंट से भी कि जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11 की 11 आपको याद होनी चाहिए, हो सकता है यहाँ से सवाल आ जाए। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज का सवाल है, इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा जरूर, जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज याद नहीं किए हैं उन्होंने जरूर प्रियम भी लगाया होगा। ठीक है, तो इसका सी जवाब है। और ये सबको पता है लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी फ्रेंच रिवोल्यूशन का है, इंडिया को क्या कहा जाता है, सी जवाब है। और इंटरनेशनल पीस सबको पता है डीपीएसपी का होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आसान है। और जो रीट आपके दायर होती है फंडामेंटल राइट्स के लिए 5 तरीके की, वो आपका 32 आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सोनार पर सवाल पूछा गया है, ठीक है, साउंडिंग पर, साउंड के ऊपर सोनार पर, इसका बी ऑप्शन जवाब है। और इसके अलावा ये टाइफाइड फीवर, टीबी, चिकन पॉक्स, तो ये बीमारियाँ और उनके सिम्टम्स दे रखते हैं। बहुत आसान सवाल है, क्योंकि तो अगर आप लोग पढ़ाई पढ़ाई भी नहीं की होगी तब भी आम आदमी को भी पता होता है इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सबने ठीक किया होगा इसे भी। और 5 ईयर प्लान पर मैंने इस बार अपने स्टूडेंट से कहा था कि 5 ईयर प्लान पर सवाल, चाहे प्लानिंग कमीशन ना रहा हुआ लेकिन 5 ईयर प्लान पर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका ए जवाब है। जो भी सवाल हैं आप देख रहे हो कि कोई ऐसे सवाल नहीं है कि सब आपके दायरे में, सब आपके दायरे में है, बस ये कि आपने आपको अपने आप पर कितना भरोसा था। ठीक है, जो आपने तैयारी की उस पर कितना भरोसा था, तो जिनको भरोसा था अपनी तैयारी पर, अपनी मेहनत पर, अपने आप पर, उन्होंने सवाल जरूर ठीक किए होंगे। अब खरीफ की क्रॉप है, ठीक है, अब हम अपने स्टूडेंट से यही कहते हैं कि क्रॉप याद करो आप, अब उन्होंने याद नहीं किए तो फिर क्या किया जा सकता है, बात समझ रहे हो। तो आपको खरीफ की क्रॉप याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कौन कौन सी खरीफ की क्रॉप होती है, कौन सी रबी की होती है, तो आसान सवाल है। अगर गलत किसी से हुआ होगा तो वो भूल गए होंगे, क्योंकि उन्हें याद नहीं रहा होगा खरीफ की कौन सी, तो हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, दिस कंपाउंड इज कन्वेंशनली यूज फॉर वॉशिंग बिल्डिंग। इस सवाल को करने में जरूर मुश्किल आई होगी करने में, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी दिक्कत आई होगी इसे करने में, इस सवाल को, है ना। तो लेकिन उन्होंने फिर भी ज्यादातर जिनके साइंस की बैकग्राउंड है उन्होंने ठीक किया होगा इसका जवाब। चलिए अगला देखते हैं, पासिंग सोडा के ऊपर है। ठीक है, तो इस सवाल को ठीक कर लिया होगा जहाँ तक मुझे लगता है स्टूडेंट ने इस सवाल को, पासिंग सोडा, ठीक है ना। तो इसके लोगों को इसका केमिकल फॉर्मूला नाम याद होता है, खाने का सोडा और बेकिंग सोडा, पासिंग सोडा, तो इनका जरूर नाम याद होता है। और सवाल पूछा गया था, ट्रू पूछ रखा है, ट्रू पूछा हुआ है। तो अगर हम इसको कहें तो जो कपड़े धोने का सोडा है तो उसका जो है ये तीन, तो खैर इट यूज टू एजिंग द वाइल बेकिंग, तो कपड़े धोने का सोडा वो बेकिंग में तो यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा दूसरा ठीक हो सकता है, और जो है तो अगर क्योंकि इट यूज रेजिंग केक्स वाइल बेकिंग, तो बेकिंग में तो खाने का सोडा आता है, ठीक है नहीं। तो और जो आपका ये कपड़े धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट होता है, ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये एक भी नहीं हो सकता है आपका, तीन भी नहीं हो सकता है, तो आपका फिर ये बी होना चाहिए इसका जवाब। तो बाकी देख लीजिएगा, अभी कमीशन की भी की आ जाएगी, हो सकता है हमारे दो तीन आंसर वेरी करें, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट कोशिश की गई है कि क्योंकि कम टाइम में इनके आंसर प्रिंट किए गए हैं। और इसके अलावा जो pH 7 लेस किस किस का है, तो ये एसिडिक पूछा गया है, तो इसका डी जवाब होना चाहिए। और उसके बाद है आपका बेस्ट इलेक्ट, ये आसान था सवाल, ये आपका जो एसिड्स के ऊपर सवाल था ना, तो ये आसान सवाल था वैसे, क्योंकि तो pH 7 से नीचे जो होता है वो आपका एसिड होता है। द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग, तो सिल्वर है, ये सवाल भी बहुत सारे एग्जाम्स में घूमता रहता है, सबने ठीक किया हुआ। तो अगला सवाल है, विच आर द नॉर्दर्न मोस्ट सदर्न मोस्ट, थोड़ा अलग तरीके का सवाल है, ठीक है, लैंड लॉक्ड स्टेट के ऊपर है कि इंडिया इन ऑर्डर टू इंटरनेशनल नो इंटरनेशनल बॉर्डर, इसमें हमने ये भी ध्यान रखना, थोड़ा अलग तरीके का नया सवाल, ठीक है ना। तो इसमें सवाल ये पूछा गया है कि वो स्टेट जो जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी देश से ना मिलती हो, उसके बाद फिर आपका नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट बताया गया। अच्छा सवाल है, कुछ नया नया ट्राई किया गया है,
क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग में कुछ नया ट्राई हुआ है ये, और कौन सा बड़ा मेजर रिवर नहीं है, तो यहाँ कंफ्यूजन जरूर रहा होगा सब में कि ये बहुत फेमस रिवर नहीं है, जैसे गंगा यमुना या इंडस की हम बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें, तो लोगों ने तुक्का लगाया होगा। ठीक है, इसका जवाब तीसरा है। ठीक है, तो किसी किसी का तुक्का लग ही गया होगा, क्योंकि तो मेरे ख्याल से इन रिवर्स के बेसिन तो किसी को याद नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगला जो सवाल पूछा गया है, झेलम रिवर एंड फ्लूवियल लैंड फॉर्म के ऊपर है, तो इसका आपका डी जवाब है। जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है उन्होंने जरूर ठीक किया होगा, बाकी स्टूडेंट्स को परेशानी आई होगी इसको करने में। जीएस तो लोग पढ़ रहे हैं, गंधारा स्कूल वाला ये तो वैसे भी चर्चा में रहता है ना, तो ये ज्यादातर लोगों ने ठीक कर दिया होगा। अगला सवाल है आपका एम्ब्रॉयडरी का, ये सवाल भी बहुत सारे एग्जाम्स में घूमता फिरता रहता है। ठीक है, तो इसका जवाब आपका बी, सबने ठीक किया होगा इसे, चिकनकारी लखनऊ की, और ये तो हजारों एग्जाम में घूमता रहता है, डाकों जब तक हिंदुस्तान में जब से एग्जाम की शुरुआत हुई है तो तब से घूम रहा है सवाल। ठीक है, सभी का ठीक हुआ होगा। अगला देखते हैं, देखो सवाल हल्के आसान भारी सब आते हैं। ठीक है ना, तो तभी तो है, और एक चीज है, कमीशन कोशिश करता है कि आप सवालों को करो क्लासिकल लैंग्वेज, ये करंट अफेयर्स में रहता है सवाल हमेशा, तो इसका डी है, और विरोधी का भी निराला को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है हम स्टैटिक जीके का पार्ट कह सकते हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट कह सकते हो आप इसको, ये ना मानना करें हिंदी लिटरेचर का सवाल रख दिया, ऐसा नहीं है। जो कुछ सवाल जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन का सवाल अभी आपने देखा, वो स्टैटिक जीके का सामान्य ज्ञान का सवाल माना जाता है, तो कभी आप केस करके खड़े हो जाओ कि सर आपने हिंदी लिटरेचर का सवाल क्यों रख दिया, फ्रांसीसी क्रांति तो हमारे सिलेबस में ही नहीं थी, हरियाणा में तो सिलेबस केस के लिए जुनून सा रहता है, कोई मौका मिल जाए तो चलो कर देते हैं। तो अशोक का जो पिलर है आपका, तो इसका जवाब आपका सी है। ठीक है, तो क्योंकि अमरावती में जो है कुछ डाउट रहता है कि वहाँ पर है या नहीं, कि हमजा नामा दशवंत बसावन, ये सवाल भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, लेकिन अच्छा सवाल है, और जिन्होंने सही से रिविजन नहीं किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, उन्हें दिक्कत आई होगी करने में, बाकी कर भी करा होगा, आधे से ज्यादा लोगों ने किया होगा। सातवां पर पिछली बार भी सवाल था, इस बार फिर से आया हुआ है, ये प्राकृत पर है, और पिछली बार पूछ रखा था कि लैंड ग्रांट किसने शुरू किए किस टाइम में, तो बहुत आसान सवाल था, सबने ठीक किया हुआ इसे भी। और इसके बाद आपका जो कल्चर है इसका, और ये इंडस से पहले प्रोटो हड़प्पन के ऊपर सवाल है जो कल्चर, तो जो लोग कल्चर देख के आ रहे हैं उन्होंने किया होगा जॉन सुरमन, क्योंकि ये डॉक्टर थे, इन्होंने पटुक्सेर का इलाज किया था। ठीक है, तभी तो वो 1717 वाला वो फरमान मिला था कंपनी को। और ये आपका रिवोल्ट के ऊपर सवाल है, आसान है ना, संथाल सिद्धू कान्हा थे, तो सारे याद करवाए थे हमने। और एर आर मूवमेंट का भी जवाब है, अलीगढ़ मूवमेंट के को सपोर्ट ये नहीं करता था, सपोर्ट वाला आपका ही गलत है, बाकी ठीक है। इसके बाद अगला है, ये सूफी संत है, सवाल तो आसान है, देखने में बड़ा आसान लग रहा है, ठीक है नहीं, लेकिन स्टूडेंट को जरूर दिक्कत आई होगी इनका ऑर्डर करने में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करने में, क्योंकि ये हमें ऑलमोस्ट एक ही टाइम में मिडाइवल पीरियड में नजर आते हैं, लेकिन जिन्होंने इसको अगर इनके मान लो डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, ईयर वाला याद नहीं है कि किस ईयर में ये इनका जन्म था, तो अगर ऑर्डर में पढ़ रहे हैं तो जरूर ठीक कर लिया होगा, अगर कॉमन सेंस लगाया होगा, इसका भी जवाब है, क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती पहले हैं और आखिर में आकर ये चिराग देल भी है। और उसके बाद एक और सवाल आया पॉलिटी का, ये भी बड़ा आसान सवाल था, क्योंकि इसमें ये तो है नहीं, ये है सबका जवाब, क्योंकि तो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, राइट टू प्रॉपर्टी, और इसके अलावा लीगल राइट है, तो जो आपका आरपीए एक्ट है उसमें इसका जिक्र है, 300 ये है आपका, तो राइट टू वोट और राइट टू प्रॉपर्टी पे सवाल पूछ रखा है, ये सवाल हमने टेस्ट में भी रखा हुआ था, राइट टू वोट जो है किस तरीके का राइट। चलिए, तो उसके बाद अगला देखते हैं सवाल जो है, और तो इसका आपका बी जवाब था, अंबेडकर ने नहीं रखा था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, आसान सवाल है, सबने ठीक किया होगा। और जो 21 है आपका, इसका सी जवाब है, तो और पीएम कुसुम, ठीक है, सोलर ऊर्जा के लिए था आपका पीएम कुसुम,
आपने किया होगा, स्क्रीन्स करके गए होगे आप जरूर। सीआरआर सबको आता है कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रिवर्सिबल रेट क्या होता है, आसान है, ऑलमोस्ट सबने किया होगा। ठीक है, तो डेब्ट ट्रैप है आपका, कर्ज चुकाने के लिए कर्जा लेना, और रैयतवाड़ी सिस्टम बहुत आसान है, सबने किया होगा कि सीधे किसान जमा करते हैं, और प्लास्टिक बैग, ये भी बहुत आसान सवाल है, सबको पता है कि प्लास्टिक वाली समस्या बनी हुई है और बायोडिग्रेडेबल नहीं है। प्रोबायोटिक्स, क्योंकि हम लोग बोतल लेकर भी आते हैं, छाछ वगैरह पीते हैं, नहीं तो ये बोतल प्रोबायोटिक्स के नाम से आती है, बैक्टीरिया जो खाना पचाने में आपको मदद करता है। सबने ठीक किया हुआ है सर। और ये रियल टाइम पीसीआर टेस्ट कोविड-19 पेशेंट वाला, तो इसको जरूर करने में दिक्कत आई होगी, कंफ्यूज हो गए होगे आप, क्योंकि आप इसको पढ़ तो रहे हो, आप एग्जाम में जाने से पहले भी बात कर रहे हो कि ये टेस्ट करवा कर जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन इस टेस्ट में होता क्या है, ठीक है, किस चीज़ को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ कन्फ्यूजन हुआ होगा, आधे बच्चों ने ठीक किया होगा, आधों से गलत हो गया होगा, भी जवाब है। और इसके अलावा नुब्रा वैली, ठीक है, वैलीज आपने जरूर याद की होंगी, वैलीज और पासिस वगैरह, दर्रे वगैरह सब लोग याद करते हैं, ठीक है, इसका डी जवाब है, कर लिया होगा आपने। राफेल तो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा, ठीक है, नहीं हरियाणा में जब अम्बाला में उसको उतारा गया, ठीक है, तो वो व्हाट्सएप पर बहुत सारी वीडियोस चल रही थी, ठीक है, अब देखो कितने लोगों ने ठीक किया है राफेल को, कि कौन सी स्क्वाड्रन में इसको लेकर आए हैं। और क्वेड और एससीओ तो अभी भी 2-3 दिन से चर्चा में बने हुए हैं, आसियान तो हमेशा रहता है, ठीक है, तो इनकी नेचर जो ये आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी नेचर को देख करके ये किस तरीके के आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसका जवाब ए है, कर लिया होगा, इतना अवेयरनेस तो आजकल लोग यूट्यूब पर करंट अफेयर्स तो देखते रहते हैं। और ये असली नाम इसका कोविड-19 वायरस का, ये सबको पता ही है, तो सबको पता, बच्चे बच्चे को भी पता है, तो इसका सी जवाब है आपका। और इसके बाद कुछ सवाल इसमें आगे पीछे हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास जैसे फोटो खींच के भेजे स्टूडेंट्स ने, ठीक है, तो मैंने इसको वैसे अरेंज नहीं किया कि इसको 100 तक अरेंज करना है, तो कोई सवाल पीछे आया होगा, कोई आ गया तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ओसीआई इसको करने में जरूर परेशानी आई होगी सबको करने में, ठीक है ना, अगर करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ रखा है फिर तो जरूर कर लिया होगा आपने, ठीक है, तो ओसीआई को लेकर, तो इसका जवाब आपका सी है। थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस को लेंदी करने की कोशिश की है यूपीएससी का जो पैटर्न होता है करने का, तो उसका हल्का सा जो है हमें असर यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन पूरा यूपीएससी जैसा नहीं है, ठीक है, सिर्फ हल्का सा एक स्टाइल लिया है कि पेपर में जो है क्वेश्चंस को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिया है, लेकिन क्वेश्चंस में वो जो है ना वो धार नहीं है, धार मतलब यह कि यूपीएससी तो ऐसे सवाल पूछता है कि गूगल भी डर डर जाता है, ठीक है नहीं, तो उसको भी मुश्किल हो जाती है उस सवाल को का आंसर बतानी है, तो हालांकि गूगल तो सबसे बेस्ट टीचर है, ठीक है, तो खैर लेकिन कुछ सवाल ऐसे रखे हैं, रखने भी चाहिए थे, मैंने भी पहले कहा था कि हो सकता है 25 सवाल आपके ऐसे आए जो स्टेटमेंट फॉर्म में आएंगे, तो आपने उसके लिए तैयार रहना है, मैंने वीडियोस भी कई इस तरीके के सवाल पर डाली हुई थी, तो जिससे कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, शोक ना लगे आपको कि अरे ये सवाल ऐसे क्यों आ गए, हम तो डायरेक्ट पढ़ कर आए थे। तो अगला है आपका ये चाबहार बोर्ड पर को लेकर, ठीक है, तो कुछ कॉमन सेंस तो आपने भी लगाया होगा, अगर आपने INSTC नहीं पढ़ा होगा तो भी अगर आप सिर्फ इसको देख कर लगा देते तो कॉमन सेंस काम करता, कर भी दिया होगा लोगों का, ये जवाब है इसका, ईरानी, तो सवाल तो रखा गया लेकिन मुश्किल नहीं बनाया गया, ईरान दे दिया सीधा सीधा। और अगला था आपका ये न्यूज मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड, ये ऑस्ट्रेलिया का है, करंट अफेयर्स का सवाल है। और अटल टनल जो है आपकी, ये अब इन्होंने पीर पंजाल तो दे दिया, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, तो आपका ये ईस्टर्न पीर पंजाल, थोड़ा सा सोचना पड़ा होगा स्टूडेंट को इसको ठीक करने के लिए। और इसके बाद है आपका ये फेनी रिवर, देखो फेनी पर सवाल है कि इसमें इलेक्शन तहसीलदार में भी आ रखा था, ठीक है ना, तो अभी जो इलेक्शन इलेक्शन तहसीलदार का उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने रखा हुआ था, मैंने उसकी उस क्वेश्चन को पढ़ा था अभी, एचपीएससी ने सवाल रखा जुलाई का, तो फिर से आया है सवाल, ठीक है ना, तो इसका सवाल आपका सी जवाब। आगे देखते हैं, और बजरंग पूनिया तो जरूर मुश्किल आई होगी क्योंकि मार्च 2021 का पूछ रखा है, ठीक है ना, और जनरली बहुत फेमस वो नहीं है, सीरीज रोम की सीरीज थी आप, तो इसमें तुक्का चला होगा क्या, बहुत स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा कोई पसंद करता है, उसका ठीक हुआ होगा।
इस सवाल को करने भी थोड़ी सी परेशानी सबको आई होगी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत नजदीकी जवाब थे इसको लेकर और मुश्किल लगी होगी आपको। तो कोविड सुरक्षा ये ठीक है और वैक्सीन मैत्री ये भी ठीक है। थोड़ा सा जो है इसमें जो इसके दो ऑप्शन है उसमें घुमा दिया गया और उसका जो है आपका एक ऑप्शन ठीक है। एक टेस्ट है जो आपका जिसमें नोज और थ्रोट के सैंपल लेने की जरूरत नहीं होती है। और नोबेल प्राइज पर सवाल मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हमेशा से, तो ये सवाल तो करना ही चाहिए। आप ये मानकर चलिए कि आपने इसको करना ही करना है। तो जैसे मेरी बात हुई है स्टूडेंट से, सारे लोग बड़े खुश थे आज इस पेपर को देखकर। गैबोर स्टेज प्राइस जो है आपका, इसका आपका जो है बी जवाब, और इसके बाद है आपका ये डोकुर कमेटी, पराली को लेकर था पंजाब में बनाई गई, बहुत चर्चा में, बहुत ज़्यादा चर्चा में। तो पीछे जब इंटरव्यू हम करवा रहे थे तो हमने कई लोगों से पूछा था इस सवाल, जीएसटी के ऊपर सवाल, फाइनली एक सवाल रखा गया, लेकिन सवाल थोड़ा सा मुश्किल बनाकर रखा गया है जीएसटी के ऊपर, ठीक है ना। तो जो इनकी जिसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है इस टॉपिक को लेकर, टैक्स को लेकर, चाहे वो थोड़ा सा कॉमर्स वाले बच्चे हैं या इकोनॉमिक्स वाले, उन्होंने जरूर किया होगा। बाकी आम बच्चों को परेशानी हुई होगी सवाल को करने। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ इसे जो है इस पेपर को, कि यहाँ कट ऑफ कितना जा सकता है अगर देखा जाए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है देखो इसके अंदर, तो कट ऑफ मुझे लगता है कि जैसे पिछली बार की बात मैं करूं तो पिछली बार सी सेट था, तो 70% प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे सवाल हमसे सिली मिस्टेक्स में ठीक गलत हो जाते हैं, जिसको हम मानते हैं कि हमारा ये ठीक था, ठीक है। शाम तक आप देखोगे जो एक दो आपके जहन में आ रहे होंगे, और जो ये मैंने की बताई है वो जो ऑफिशियल की आई थी उससे हो सकता है 2-4-5 सवाल आपके वेरी करें, तो उससे आपने परेशान नहीं होना है, आपने उसको गूगल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 70% अगर किसी का स्कोर हो रहा है।